छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने डरा धमकाकर पैसों की वसूली करने वाले सूदखोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर समेत कुल चार आरोपियों को कई आपराधिक मामलों के तहत गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की शिकायत जय कुमार बदलानी ने पुलिस में की थी। पीड़ित जय कुमार बदलानी ने आरोपी से पैसे की आवश्यकता होने पर ब्याज पर रकम ली थी, जो कि वो चुका नहीं पाया। इसके चलते आरोपियों ने उसको धमकाना शुरू कर दिया था। तोमर ब्रदर्स, इन लोग ब्याज का पैसा चलाते हैं और उसमें एक व्यापारी है जिन्होंने कोतवाली थाना में रिपोर्ट कराया। रायपुर में पुलिस ने डरा धमकाकर पैसों की वसूली करने वाले सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, ये कार्रवाई काबिले तारीफ, इस गैंग के बारे में जरा जानकारी दें। जी पूजा, मैं बता दूं आपको, ये जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह, ये मतलब बहुत बहुत पुराने समय से इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते आ रहे थे और पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। और जो अपराध अभी इन्होंने अंजाम दिया है, 5 लाख रुपए इन्होंने एक व्यापारी को उधार में दिए थे और उस उधार के पैसे को 5,000 रुपए पर डे के ब्याज के रूप में ये वसूल करते थे। ऐसा करते करते करीब 2 साल तक चला। व्यापारी ने 2 साल तक रुपए ब्याज के रूप में उनको दिए हैं, रूबी सिंह को। उसके बाद जब ये फिर से व्यापारी पर प्रेशर बनाने लगा कि मेरे को पूरे रकम वापस चाहिए, तो व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस में दी थी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था। मतलब एक दूसरे हिसाब से यदि देखा जाए तो 5 लाख रुपए उधार के बदले में व्यापारी करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए रूबी सिंह को दे चुका था। और इस मामले के बाद SP रायपुर ने एक टीम गठित की थी और इसकी आरोपी रूबी सिंह की खोज के लिए पूरे शहर में टीम को लगाया हुआ था और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जी पूजा, बिल्कुल। करनी सेना तो कई मौकों पर समाज की ठेकेदार बनकर सामने आई, लेकिन असल चेहरा क्या है इसका, ये उजागर हुआ अब? जी जी बिल्कुल, ये करनी सेना के अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत से धरना किए, प्रदर्शन किया। जब हमारे यहाँ फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, तो उसके भी रोकने के लिए प्रदर्शन को इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया था और उस दौरान भी बहुत ख्याति मिली थी सेना को। उसके बाद जो ये अभी जो ये मामला सामने आया है, इसके बाद इनकी करणी सेना भी अभी कहाँ है उसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पूजा जी, ये कब से चल रहा था इनका गोरख धंधा, डराने धमकाने वाला, पैसे वसूलने वाला? जी इनका तो मेन काम ही यही था पूजा जी, कि लोगों को डराकर धमकाकर पैसा वसूल किया जाए। अभी जो ये मामला सामने आया है, इसके बाद से इनकम टैक्स की टीम भी इनके यहाँ, IT की जो टीम है वो भी इनके यहाँ डेरा जमा ली हुई है, क्योंकि जैसी लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, जिस हिसाब से सोने चांदी के जेवर मिले हैं इनके यहाँ से, तो वो किसी साधारण मनुष्य मतलब व्यक्ति के यहाँ मिलना नामुमकिन है। इस टाइप के आभूषण और इस टाइप की लग्जरी गाड़ियां मिली हैं इनके यहाँ से। तो पुलिस ने IT को भी इसकी सूचना दी थी, तो IT की टीम ने भी इनके यहाँ अभी सर्वे जारी रखा हुआ है। ऐसे तो जनता के बीच में भी यही सवाल उठ रहे होंगे कि जो लोग ये झांसा देते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, कई मुद्दों पर हम राय रखते हैं, वो इस तरह के अगर काम करेंगे, काली करतूते करेंगे, तो जनता कैसे विश्वास करेगी इनके ऊपर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता का विश्वास तो इन पर से धीरे धीरे मतलब जो विश्वास इन पर था वो इस घटना के बाद से जनता का विश्वास पूरी तरह से इनसे उठ चुका है। और अब करणी सेना जैसे तमाम जो दल हैं इन पर लोग विश्वास बहुत कम कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में जो ये आरोपी पकड़ाए हैं, इसके बाद से छत्तीसगढ़ में तो इस तरह के जो दल हैं उन पर से लोगों का भरोसा उठ गया है पूजा जी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि इस तरह के छोटे छोटे संगठन जनता के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम समाज के पैरोकार हैं, आपके सरोकारों से हमारा नाता है, लेकिन दरअसल वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जब इस तरह के घोरधंधे शामिल होते हैं, सामने आते हैं, तो वास्तव में बहुत सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार हम क्यों और किन लोगों को भरोसे पर रखते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस हिसाब से ये लोग घटना को अंजाम दे रहे थे उस हिसाब से तो बिल्कुल से बिल्कुल लोग यही समझ रहे हैं कि जब ये छोटी सी करणी सेना जो थी वो बहुत कम समय में
प्रकाश में आई थी और बहुत ख्याति प्राप्त इस करणी सेना ने किया था। और उसके बाद इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद इस तरह के मतलब अपराधों में संलिप्त रहते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं, तो बिल्कुल ये लोगों के भरोसा उठने वाला ही काम है। पूजा जी, शुक्रिया आपका नीरज तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।